अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आलू मटर पुलाव जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद आपको रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे जो है मैंने मसाला तैयार किया है, जिसमें प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसे तैयार करूंगी। और मैं चावल, हर कुछ पुराने चावल होते हैं, कुछ नए होते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है। मैं चावल साथ ही डिप कर देती हूँ वॉश करके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्सर में मसाला डाल के थोड़े से पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया है। सब कुछ रेडी है, मटर मैंने निकाल लिए हैं और आलू भी काट के रख लिए हैं। मैं सर्दियों में ही जो है मटर जब ख़त्म हो रही होती है सीज़न इनका, तो उस वक्त निकाल के इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। बहुत सिंपल इनका भी मेथड है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। और यहाँ पे जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, मैंने इसमें क्यूमिन यानी ज़ीरा ऐड किया है और एक सेकेंड दो सेकेंड इसको पकने दिया। इसके बाद इसमें जो ब्लेंड किया हुआ मसाला है मैं वो ऐड कर दूंगी मिक्सर में जो मैंने बनाया था। और इसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैं नमक, हल्दी, रेड मिर्च थोड़ी सी, मैं हल्दी भी ऐड करती हूँ चावलों में, मुझे अच्छी लगती है। कुछ लोग नहीं पसंद करते लेकिन मुझे फ़्लेवर पसंद है इसका, थोड़ा कलर भी मुझे अच्छा लगता है, चावलों पर आ जाता है। तो हल्दी की भी बड़ी गजाइयत है मेरे ख्याल से, तो डालनी चाहिए लेकिन कुछ लोग नहीं डालते। गरम मसाला पाउडर और बड़ी इलायची और दालचीनी यहाँ पे डालने के बाद मैं इनको, इसको मसाले को जो है मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें मटर और आलू ऐड कर रही हूँ। आलू मटर ऐड करने के बाद मैं इसे ढाँप के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, पानी डाल के हल्का सा, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और दो से तीन मिनट में ये मीडियम आंच पे मैंने रखे थे तो ये गल चुके हैं। चलें आपको दिखाती हूँ, ये अब गल चुके हैं। इनमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आपने अपने चावल जो हैं उनके अकॉर्डिंगली ऐड करना है। मैं जो चावल यूज़ करती हूँ उसमें पानी थोड़ा सा मैं कम रखती हूँ, ताकि चावल जो हैं खिले खिले बने। और बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, अपने तरीके से पानी ऐड करना होता है, और क्योंकि कुछ नए चावल यूज़ करते हैं लोग और कुछ पुराने। तो यहाँ पे पानी जो है उसमें उबाल आ गया, तो मैंने चावल भी ऐड कर दिए और इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढाँप के रख दूँगी और उसके बाद जो है एक दो दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद ये चावल तैयार हो गए हैं। और मैं दम पे चावल नहीं रखती, मेरे ऑलरेडी बग़ैर दम के ही, कुछ लोग दम पे भी रखते हैं लेकिन मेरे दम के बग़ैर ही चावल, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तैयार होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ,